और सारंगढ़ में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का धूम देखने को मिला, जहां यादव समाज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का भव्य शोभा यात्रा निकाली। बताया जा रहा है कि यह शोभा यात्रा सारंगढ़ राजापारा से शुरू होकर शहर की मुख्य गलियों से गुजरते हुए सारंगढ़ मंडी प्रांगण में समाप्त होगी। पूरा प्रदेश जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं सारंगढ़ में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यादव समाज के लोगों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह शोभा यात्रा सारंगढ़ राजापारा चौक से शुरू होकर सिनेमा हॉल चौक पहुंचा और पुराने थाना की गलियों से होते हुए जयस्तंभ चौक पहुँचा। गोविंदाओं के लिए मटकी फोड़ रखा गया, तो वहीं नंदा चौक में भी हांडी फोड़ का आयोजन किया गया था। इस तरह शहर की प्रमुख गलियों से गुजरते हुए सारंगढ़ मंडी प्रांगण में यह शोभा यात्रा समाप्त होगा। वहीं शोभा यात्रा में सारंगढ़ के समस्त यादव समाज के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। शोभा यात्रा के समाप्ति के बाद मंडी प्रांगण में यादव समाज द्वारा आयोजित पद्मश्री ममता चंद्राकर के कार्यक्रम चिन्हारी का आनंद उठाए। सबसे पहले तो मैं पूरे नगर वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और माधव मित्र मंडल यादव समाज सारंगढ़ द्वारा यह छठवां आयोजन है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया जाए और जनमानस के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है, उनका जो आदेश है, उनका जो जीवन शैली है, उनका जो चरित्र है, वो आम लोग उसको समझें और अपने जीवन में उतारें और लोक कल्याण और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दें, यही उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं और उनका अवतार ही लोक कल्याण के लिए और परमार्थ के लिए हुआ है। उन्होंने कहा है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनादय संघ भवामि योगे, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए, ताकि इस सृष्टि अबाध रूप से चलती रहे और दुष्ट और जो अमंगलकारी तत्व हैं वो सज्जन और साधु पुरुषों पर हावी ना हो, इस उद्देश्य से उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए अवतार लिया था और उन्होंने अपना अवतार को, जैसा कि कहा गया है कि महाभारत में उन्होंने सभी दुष्टों का नाश किया और धर्म की स्थापना उन्होंने किया है। आज जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा के पश्चात एक सामाजिक सम्मेलन है, उसके पश्चात सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था भंडारा का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात रात्रि छत्तीसगढ़ की लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर जी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट एशियन 24। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एशियन 24। नमस्कार।